अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नमाज़ पढ़ ली है और जामा मस्जिद में आप देख सकते हो नज़ारा बेहद खूबसूरत था। बहुत भीड़ थी और बहुत ज़्यादा गर्मी है। 5 रुपए ये आप भी पिए आपके दोस्त। ये 250 रुपए की पैंट है, कोई सी भी ले लो। अब यहाँ डाल दो, इसमें डाल दो, डाल दो, डाल दो। यार दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी हुई आज तो। यहाँ पर ब्रांडेड जूते भी ले सकते हो, 250, 300, 350 वाले के मिल जाएंगे। प्लस ये लोवर हैं, इधर बैग खरे बैग खरीद लो यहाँ से। और खाने पीने के आइटम की कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों क्या हाल चाल है आपके? और इस बैग खरीदने आया था, पहले मैं आपको बताऊँ, मेरे ट्रैवलिंग का जो बैग था वो ख़राब हो गया था और जूते लेने थे मुझे यहाँ पर, तो मैं इस टाइम चांदनी चौक की जो मार्केट है जामा मस्जिद मीना बाज़ार वहाँ पर आया था। फ्रेंड्स आप देख सकते हो बस का क्या हाल है, इतना ज़्यादा क्राउड चढ़ता है कभी कभी। दोस्तों मैं एक बात बता दूं, आज है फ्राइडे यानी जुमे वाला दिन है, तो यहाँ पर बहुत भीड़ हो रही है नमाज़ पढ़ने के लिए। लोग आए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है। और आज मैं भी व्लॉग शूट करने आया हूँ, तो यहाँ पर मैं भी नमाज़ यहीं अदा करूँगा आज की। तो चलो पहले वज़ू कर लेते हैं, उसके बाद नमाज़ पढ़ते हैं अंदर। गर्मी से बचने के लिए यहाँ पे इस तरह के काफ़ी टेंट लगाए गए हैं, मगर लोग इतने ज़्यादा आते हैं कि चारों तरफ टेंट लगाना मुश्किल है। चलो मगर हम इसी में पढ़ेंगे अब। दोस्तों अब यहाँ पर पहले नमाज़ पढ़ते हैं जुमे के दिन, और मैं यहाँ नमाज़ अदा करने आया हूँ, काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है, तो पहले जुमे की नमाज़ अदा करेंगे, बाकी चीज़ बाद में दिखाएंगे आपको। दोस्तों भीड़ देख सकते हो आप, और अब वीडियो आप दिखाएंगे आपको नमाज़ पढ़ने के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नमाज़ पढ़ ली है और जामा मस्जिद में आप देख सकते हो नज़ारा बेहद खूबसूरत था। बहुत भीड़ थी और बहुत ज़्यादा गर्मी है, फिर भी अल्लाह की इबादत के लिए आराम से, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हमने नमाज़ पढ़ी है। और बहुत धूप है रही हूँ, और देख सकते हो नज़ारा बेहद, लोग सारे नमाज़ पढ़ के निकल रहे हैं जुमे की नमाज़। और मैंने भी यहीं जुमे की नमाज़ अदा करी थी अपनी, और कुछ सामान खरीदने आया था मैं यहाँ पर, बैग चलो वो भी दिखाएंगे अभी, हम कुछ और खरीदेंगे। आप देखो कितने सारे लोग हैं, बहुत भीड़ हो रही है हद से ज़्यादा। अब धीरे धीरे हम नमाज़ पढ़ने के बाद जामा मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं, और बाहर देख सकते हो निकलने से पहले इतनी ज़्यादा भीड़ है कि धीरे धीरे चलना पड़ रहा है, और एक तरफ का दरवाज़ा बंद है तो और ज़्यादा भीड़ है। अब जब मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा तो बाकी की चीज़ अब आपको बाहर निकलने के बाद ही दिखाऊँगा मैं आपको। ये सामने लाल किला, और लाल किले के सामने लगती है चांदनी चौक की मार्केट, जो एक पटरी मार्केट है, मगर इसमें हर तरह की सामान आपको मिल जाएंगी, जैसे कपड़े से लेके आप कुछ भी खाने पीने का कुछ भी सामान ले सकते हो। चलो अंदर चल के दिखाते हैं आपको। यहाँ से पूरी मार्केट शुरू होती है, यहाँ से कपड़े खरीद सकते हो और कुछ खा पी सकते हो। ये पर्स ले लो इधर से, ये पैंट है इधर, 250 रुपए की पैंट है, कोई सी भी ले लो। सामने लगा बिल्कुल, ये धूम मनाने का बहुत शौक है ना, लगा। अरे वहाँ लगा देता हूँ, वहाँ लगा हुआ है। यहाँ पर ब्रांडेड जूते भी ले सकते हो, 250, 300, 350 वाले के मिल जाएंगे। प्लस ये लोवर हैं इधर, भाई कितने का लोवर? ये भी 250 रुपये का लोवर है। जामा मस्जिद के अंदर अगर आप सीढ़ियों से नीचे आओगे तो वहाँ पर आपको इस तरह के सेट मिल जाएंगे, जो लेडीज़ सेट होता है, जैसे गन का गले का वो पहनती हैं, तो इस तरह का आपको ख़रीदने के लिए उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। ये आपको देखने में नेकलेस से लगेंगे, अच्छा ब्रांडेड भी होते हैं या नहीं, मगर आप खुद आके ट्राई करो, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 तक के प्राइस होते हैं, और देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं ये। दोस्तों जब जामा मस्जिद में आओ ना तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना, ये बड़ा अच्छा लगता है पीने में, मैं काफ़ी बार पीता हूँ इसे। जामा मस्जिद की अगर नीचे मार्केट में आप आओगे तो आपको ना यहाँ जूते बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, मैं अक्सर जूते यहाँ से ख़रीद के ले जाता हूँ। फिक्स प्राइस है इनका 350 रुपये का है, कोई बार्गेनिंग नहीं है, एक रेट रखा है उन्होंने, तो ये भी ठीक है, अपना ज़्यादा किसी से बार्गेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बट जूते बहुत अच्छे कलेक्शन में मिल जाएंगे, बहुत सारी वैरायटी में मिल जाएंगी, बहुत डिज़ाइन में इनके पास होते हैं, और अक्सर यहाँ पर ना इस मार्केट में जूतों के लिए बहुत भीड़ रहती है, बहुत लोग खरीदते हैं यहाँ पर आकर, और काफ़ी अच्छे लगते हैं। झूमर कितने कितने वाले? 350, 250। घर की सजावट के लिए भी अगर आपको यहाँ पे कुछ झूमर या कुछ कलेक्शन चाहिए तो वो यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगा। चश्मे पहनने के शौकीन हैं आप तो यहाँ ज़रूर आएँ, और आपको यहाँ पर बेहतरीन चश्मे मिल जाएंगे और चीप प्राइस में मिलेंगे, सबसे बड़ी बात ये है। जामा मस्जिद का नज़ारा, हरदम भीड़ और खूबसूरत नज़ारा।
ये बैग खरे बैग खरीद लो यहाँ से, और खाने पीने के आइटम की कोई कमी नहीं है, ये वो यहाँ पर भी मिल जाएगा आपको जामा मस्जिद में देखने के लिए। और खाने पीने आइटम की यहाँ कमी नहीं है, आप देख सकते हो चारों तरफ, अगर आप वेज खाते हो या नॉन वेज खाते हो सब मिल जाएगा आपको यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो यहाँ आप कुछ भी खरीद सकते हैं, प्लस हर जगह घूम सकते हैं, या चारों तरफ जगह घूमने वाली बहुत अच्छी अच्छी मिल जाएंगी आपको। जामा मस्जिद है, चांदनी चौक है, लाल किला है, और उसके बाद फिर आप ये ख़रीदारी अगर आप कुछ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। संडे वाले दिन यहाँ एक चोर बाज़ार भी लगता है, तो आप वहाँ से भी कुछ खरीद सकते हैं अगर ख़रीदना चाहें, बहुत चीप रेट पर यहाँ सामान मिल जाएगा आपको। इस मार्केट में आप छोटे बच्चों से लेके बड़े लोगों तक के लिए कुछ भी चाहिए आपको सामान, आप सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पे। पर्स मिल जाएंगे, सॉक्स मिल जाएंगी, लेडीज़ पर्स मिल जाएंगे आपको। खाने पीने का तो आइटम यहाँ इतना सारा मिल जाएगा आपको कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी खाने पीने से लेके। और ख़रीदारी करने के लिए बहुत सामान मिल जाएगा यहाँ पर। अक्सर मैं यहाँ पर आता हूँ तो कुछ ना कुछ खरीदता ही रहता हूँ यहाँ पर। काफ़ी अच्छे मुझे जूते यहाँ पर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जूते अगर आप स्लीपर्स वगैरह लेना चाहोगे तो उसके लिए बहुत अच्छी मार्केट है ये वाली। कपड़े भी अगर आपको चाहिए, कपड़े भी आपको चीप रेट में मिल जाएंगे चारों तरफ। आप देख सकते हो कितने ज़्यादा लोग यहाँ घूमने भी आते हैं और यहाँ पे आके ख़रीदारी भी करते हैं, तो काफ़ी फेमस है ये जगह। यहाँ देखो बैग्स, यहाँ कितने सारे बैग मिल जाएंगे आपको, एक से बढ़कर एक बैग मिल जाएंगे, और रेट भी बड़ा चीप होगा वो बताएंगे, कुछ भी आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। इस मार्केट में आप कभी भी आओगे आपको हमेशा भीड़ भाड़ मिलेगी, क्योंकि ये जगह इतनी अच्छी है कि यहाँ पर मैं आपको बता नहीं सकता। मैं अक्सर यहाँ पर हर दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें दिन में आता रहता हूँ यहाँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ सामान ख़रीदना भी होता है, और यहाँ पे मैं आता हूँ तो अच्छा लगता है। यहाँ पर चांदनी चौक की बड़ी फेमस मार्केट है ये वाली, पटरी मार्केट लगी है सारी, और सब आप देख सकते हो जूते कितने अच्छे अच्छे कलेक्शन मिल जाएंगे, और कपड़े से लेके आप कुछ भी खरीद लो, घूम भी फिर सकते हो। तो अक्सर मैं यहाँ आता रहता हूँ, आप देख ही रहे हो। और चलो कुछ भी चलते हैं, और जो था मेरा व्लॉग मैंने तो आजकल ट्रैवलिंग के चलते मैं कहीं ना कहीं घूमता रहता हूँ, घूमते घूमते कुछ ना कुछ मैं आपको दिखाते रहता हूँ कि कहाँ क्या मिल रहा है, कहाँ क्या मिल रहा है। और उसी तरह ये जामा मस्जिद के पास इस टाइम हम हैं, और यार यहाँ पर अक्सर ना भीड़ बहुत होती है, इस भीड़ के चलते मतलब यहाँ पर ना रश इतना रहता है कि हरदम ऐसा लगता है कि यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए बहुत लोग आते हैं। और सामने लाल किला, तो घूमने फिरने की जगह बहुत खूबसूरत मिली जाएगी आपको। चलो अंदर भी चलेंगे, कुछ और दिखाते हैं। ये टोटल पूरी कपड़े मार्केट है। और शाम होते हुए ये नज़ारा हो जाता है यहाँ पर, लोग यहाँ की सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं जामा मस्जिद की, और कोई आराम से चारों तरफ का नज़ारे का आनंद लेते हैं।